अक्सर आपने कई तरह की वारदात होती हुई देखी होंगी और ऐसी वारदातों के बारे में आपने सुना भी होगा। जी हाँ, कई बार लोग अपनी एक गैंग बनाकर आते हैं और फिर स्थानीय लोगों को परेशान करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ समय पहले चोटी काटने वाली गैंग का डर सभी में था। लोगों का कहना था कि कोई रात को आता है और उनकी चोटी काट कर चला जाता है। अब इसके पीछे क्या सच था और क्या गलत था, इस बात का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि हर कोई इस पर अपनी अलग अलग राय दे रहा था। इसके बाद एक और गैंग सामने आई है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में खून की चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। स्थानीय लोग इस गैंग को खून चुसवा गैंग कह रहे हैं। इतना ही नहीं, इस पर पुलिस ने बस्ती के दो लोगों को हिरासत में लिया है और इस गैंग के बारे में पूरी जानकारी भी दी है। खबरों की मानी जाए तो पुरानी बस्ती के थानाध्यक्ष सर्वेश रॉय ने जानकारी दी है कि इस गैंग के लोग बच्चों को और युवाओं को अपना शिकार बनाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसा कि अक्सर किया जाता है, छोटे बच्चों को कोई भी नशीली चीज़ सूंघाकर या उन्हें खिलाकर बेहोश कर दिया जाता है। उनकी गैंग का एक मेंबर बच्चों को क्लिनिक पर ले जाता है और उनका खून निकाल लेता है। इसके बाद वो गैंग बच्चों के खून को 4500 रुपये में अस्पताल में बेच देते हैं। इसी के साथ ही बताया जा रहा है कि इस गैंग का मास्टरमाइंड नेपाल का रहने वाला है। इसके अलावा कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस।